गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक वी आर अगेन बैक ऑन अवर ट्रैक। द लास्ट सेशन जो हमने खत्म किया था उसको बता दें पहले। चैप्टर नंबर 15 वी हैड स्टार्टेड, उसके दो इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गए थे, राइट? हाँ, चैप्टर इंट्रोडक्शन हो चुका था प्लस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो चुका था। एक्सरसाइज 15.1 द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर है ना, वॉज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो चैप्टर वॉज ऑल अबाउट, उसकी बात कर लेते हैं। चैप्टर वॉज ऑल अबाउट मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन, राइट? मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन, जैसा कि डिस्कस किया था अपन, है ना, मेशर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10th में हो गया था, एंड मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन व्हाट वी स्टार्टेड इन दिस चैप्टर ऑफ क्लास 11, ठीक है। मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन फिर हमने तीन सीखे थे, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दीज थ्री वर द मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्योंकि ब्रेक हो गया ना, तो इसलिए एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि क्या करना है हमको, है ना। रेंज, सबसे पहले रेंज जो कि एक ही फॉर्मूले से खत्म हो जाती है, जिसका क्वेश्चन भी नहीं आता। उसके बाद फिर शॉर्ट में लिख देता हूँ, मीन डेविएशन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये तीन मेशर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है। मीन डेविएशन भी फिर दो तरीके से, एक बार मीन से और एक बार मीडियन से, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर इंट्रोडक्शन। देन मैंने बताया रेंज का तो एक ही फॉर्मूला है, तो ये तो देखते ही, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया एक तरीके से। और रेंज हमने क्लास 10th में भी निकाली थी। तो बेसिकली फिर दो ही तीन चीजें बचती हैं, दो चीजें बचती हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें से ये वाला पोर्शन एक्सरसाइज नंबर 15.1 में कवर होने वाला है। सो एक्सरसाइज 15.1 इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, ठीक है। अच्छा, मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला तो अपन सीख लिया था, अपन इंट्रोडक्शन कर लिया था, लेकिन मीन और मीडियन निकालने के फॉर्मूले भी हमने रिवाइज कर दिए थे। क्लास 10th में हमने सीखे थे मीन निकालने के फॉर्मूले प्लस मीडियन निकालने के फॉर्मूले, जब रो डेटा हो तो कैसे निकालें, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो कैसे निकालें, है ना। ये सब अपन ने डिस्कस किया था। चलो तो स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमको क्या करना है? अच्छा, जो फॉर्मूलेस हमको जरूरत पड़ेगी एक बार फटाफट से देख लो। देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है रो डेटा के लिए। रो डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय। यहाँ पे एक्स आई तो वो सारी ऑब्जर्वेशन होंगी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एंड एक्स बार विल बी द मीन ऑफ दोस ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का मीन होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो हम ऐसे कर निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार तो रहेगा ही रहेगा। देखो, यहाँ तक का पोर्शन सेम है, ये सेम है, ये सेम है। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है नहीं होता है तो हम गिनते हैं कितने ऑब्जर्वेशन हैं। जब होता है तो हम अपन एफ आई का सम कर देते हैं, वही होता है, तो एन की वैल्यू ये हो जाएगी। और अब क्योंकि इसमें एफ आई है तो फिर एफ आई भी बाहर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में सेम टू सेम है, बस यहाँ की जगह मीडियन आ जाएगा, एम एम फॉर कैपिटल, एम फॉर मीडियन, दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है, बाकी नो चेंज। ओके, ठीक है, चलो। एफ आई, ठीक है, चलो तो इसको फॉर्मूला शीट को तो कर देते हैं क्लोज। ये तीन चार फॉर्मूला से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली, प्लस इसमें वेटेड वेटेड मीन का भी कॉन्सेप्ट था ना, बताया था हमने, वेट्स दे देते, याद है, अलग अलग वेट्स दे देते था ना, वेटेड मीन। चलो, आएगा एक्सरसाइज पे, रिवाइज करवाएंगे उसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो दोनों क्वेश्चन में आपको मीन से मीन डेविएशन दो तरीके से निकलता है, बताया था ना, तो दोनों में मीन से निकालना है, मीडियन से नहीं निकालना है। तो मीन से निकालने के लिए पहले इन दोनों का मीन पता होना चाहिए और फिर हम एक टेबल ड्रॉ करने वाले, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ बिल्कुल अलग से शीट पे करके बताते हैं कैसे अपन प्रेजेंट करेंगे, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे कि जैसे गिवन है। मीन के केस में तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, मीडियन के केस में अपन उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब दो स्टेप्स बनेंगे वहां पे। अभी मीन का इक्वेशन है तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। सो हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, Here the given observations are, so tell me what are the number given observations, लिख दूंगा मैं 4, 7, 8, 9। अभी पहला क्वेश्चन है तो पूरा अरेंज करके प्रेजेंट करके बता देता हूँ मैं, 4, 7, 8, 9, देन वॉट 10, 11, 12, 13,
7 days. These are the given observations. Okay, so first of all, we are required to find the mean deviation about mean. So we will find the mean first, है ना? तो mean निकालने का formula शायद ही किसी बच्चे को ना बताओ. So mean of the given observations is given by mean of the given observations is given by. Okay, so mean निकालने का formula लिखने जा रहे हैं हम. बताओ सबको पता है ना क्या होता है, बताओ मीन निकाल. सबका सम करके डिवाइडेड बाय एन, ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, है ना, जिसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबको आपको जोड़ना है. सो जोड़ दो आप, रफली भी जोड़ सकते हो. देखो अभी मीन निकालने की थोड़ा अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मीन आप रफली भी निकाल के मतलब इनको जोड़ बाकी आप रफली भी कर सकते हो. तो 4 एंड 7 टोटल करो, 7 एंड 4 11, 11 एंड 8 19, 99, 28 and 10, 38 and 11, yes, 49 and 12, 9 plus 2 और जोड़ो 61, 61 and 13. तो पहले तो 10 जोड़ दो 71 और फिर 3 जोड़ दो 74, 74 एंड लास्ट में 17. तो पहले तो 10 जोड़ दो 84 और 84 में 7 जोड़ा तो 91. ओके, सो वी मस्ट हैव दैट प्रैक्टिस. कम से कम इन नंबर्स को अपन एक साथ जोड़ पाए, है ना. 91 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इनका मतलब क्या होता है, गिनना है अलग अलग कितने ऑब्जर्वेशन थे, राइट, काउंट करना है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 91 बाय 9. कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा है. 91 बाय 9 नहीं कट रहा क्या? अच्छा, तो मीन इतना भयानक दिया कि कट ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो गया. एक बार टोटल सही किया क्या, फिर से देख लें क्या पता 90 हो. हाँ, अगर 90 होगा तो सही हो जाएगा ना, ठीक है. तो हो सकता है, देखो डाउट आ जाता है कि यार 91 बाय 9 इतना भयानक मीन दे दिया डेसिमल प्लेसेस में. डेसिमल भी ऐसा दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जाएगा ना, टर्मिनेटिंग देता है. चलो तो एक बार फिर से जोड़ते, 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13 और 9, 13 और 9 22 और 8, 22 और 8 30 और 7, 37 और 4 41 सही है यार, 5 6 7 8 9 बिल्कुल करेक्ट है. 91 बाय 9 ऑब्जर्वेशन करेक्ट नोट डाउन किएंगे, चेक करते हैं एक बार. 4 7 8 9 10, 4 7 8 9 10, 11 कहाँ है? 11 तो है ही नहीं इसमें, है ना, 11 नहीं है, 12 13 17. सो ये 11 कहाँ से देखा तुम्हें, अचानक से बोला कि गिनती चल रही है तो 10 11 12 सारे के सारे आ जाए. तो 11 हटा देता हूँ, तो 91 में से 11 हटाओ, सो इट विल बी लाइक 80. 80 बाई 9 भी नॉन टर्मिनेटिंग है यार, फिर भी क्या फर्क पड़ा. 80 बाई 8 होगा, यस ऑब्वियसली ऑब्वियसली, 9 क्यों होगा, ठीक है ना, हो गया ना काम हमारा. अभी हम देखो नई क्रॉस चेक करते ना तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाते, फिर घूमते रहते और लास्ट में आंसर नहीं मिलता पक्का, पहले इक्वेशन में बैंड बच जाती. 80 बाय 8 10, ठीक है. सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू प्रॉपरली राइट डाउन द क्वेश्चन. क्या होता है, डबल नुकसान होता है. एक तो क्या होता है कि परेशान भी हो जाते हैं हम क्वेश्चन करने, जो इजी हो रहा है उसको डिफिकल्ट कर दिया हमने, प्लस मार्क्स भी नहीं मिलते, परेशान होकर करने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते, तो डबल नुकसान क्यों करें, है ना. ओके चलो, तो 80 बाय 8 इज 10, दिस इज द मीन. अब क्या करना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, राइट, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे. नाउ नाउ फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, द गिवन ऑब्जर्वेशंस, the given observations are arranged in the table given below, in the table given below. Mean deviation about mean निकालने के लिए हमने observations को नीचे दिए हुए table में arrange कर दिया है, right? ये निकाल दो, mean deviation about underline कर दिया मैंने, ठीक है. अब टेबल क्या बनाएंगे, देखो एक साइड को observations और एक साइड उसका मीन से जो निकाला है उससे डिफरेंस, ठीक है, बस दो ही इसमें फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, बस बात करता. अच्छा, तीसरा कॉलम भी बनाएंगे, उसका फिर क्या लेते थे अपन, मॉडुलस,
क्या लेते थे, मॉडुलस। अब देखो अभी पहला ही क्वेश्चन है तो मैं दो कॉलम अलग अलग बनाऊंगा, एक में तो डिफरेंस, अगले में मॉडुलस, और फिर जब थोड़ा एडवांस हो जाएंगे फिर एक साथ डायरेक्टली मॉडुलस निकालना शुरू कर देंगे, उस एक को स्किप कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। इतनी ये भी बड़ी बना दी, छोटी सी से काम चल जाएगा, तीन ही तो कॉलम। ओके, तो सबसे पहले तो एक्स आई ठीक है, एक्स आई बता दो फटाफट से क्या क्या है, आप सही बताना, ठीक है बोलते जाओ, बोलो। 4 7 8 9 10 12 13 एंड 7, 13 एंड 7, ठीक है ये तो हो गया हमारा एक्स। ठीक है अब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा इसका मॉड्यूलस, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। लास्ट में जो चीज आएगी वही आएगी टोटल। ठीक समझ में आ रहा है ना सब, चलिए तो करें डिफरेंस निकाले। तो क्या करना है आपको, 4 माइनस आपका मीन क्या है 10 आया ना, तो 4 माइनस 10 ये सारी काम करना है आपको, ठीक है। और क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे सजा सजा के, 4 माइनस 10 क्या होता है -6, 7 माइनस 10 क्या होता है -3, 8 माइनस 10 -2, देन 9 माइनस 10 इज -1, 10 माइनस 10 0, पॉसिबिलिटी की एक जगह 0 भी आ जाए, 100% श्योर नहीं है बट आ सकता है ना, क्योंकि मीन ऐसा ऑब्जर्वेशन आ जाए जो इनमें से ही है, जैसे 10 इसमें से ही है तो फिर 10 माइनस 10 0 आएगा, मान लो इनमें से नहीं है तो फिर नहीं आएगा। 12 माइनस 10 इज +2, देन 13 माइनस 10 इज वॉट 3, एंड देन 17 माइनस 10 इज 7। वैसे ये अरेंज मिले आपको है ना असेंडिंग ऑर्डर में, बाकी ऐसा जरूरी नहीं होता कि मिल जाए ना। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस चाहिए अब आपको है ना, सो व्हाट वी विल डू, मॉडुलस ऑफ -6 दैट इज 6, मॉडुलस ऑफ -3 दैट इज 3, देन मॉडुलस ऑफ -2 दैट इज 2, मॉडुलस ऑफ -1 दैट इज 1, मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, एंड देन मॉडुलस ऑफ 2 इज 2। आ जाओ नीचे, 13 माइनस 10 मॉडुलस ऑफ 3 इज 3, एंड मॉडुलस ऑफ लास्ट में 7 इज 7। अब आपको हमेशा टोटल करना होता है लास्ट वाले कॉलम का, और एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम का करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम ही नहीं है तो केवल एक लास्ट कॉलम से ही हमारा काम होगा, सारा काम उसी से चलेगा, ठीक है। इन सबको टोटल कर दें, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 7 7 और 7 14 24, ठीक है ना। सो इट इज, ये इस कॉलम को क्या कहेंगे अपन, समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना, कितना आया था 24, डन। इस कॉलम का समय, तो इसके ये ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, इस कॉलम का समय नहीं है और इसके पीछे क्या लगा दूंगा समय, ठीक है। वैसे तो कायदे से ऐसे भी लिखना चाहिए समेशन में आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, मतलब कितने आइटम चाहिए वन डिवाइड, लेकिन अपन शॉर्ट में वो सब नहीं लिखते, बस समेशन लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली देखो निकाल कर रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन निकाल के उसके डेविएशन का मीन, तो दो बार मीन तो निकलेगा ना पूरे क्वेश्चन में, एक बार ऊपर निकला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, अब नीचे भी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन है इसलिए पूरे क्वेश्चन में दो बार मीन। तो नाउ फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन। About mean is given by
इस गिवन बाय, इसको डिनोट किससे कराते हैं अपन, एमडी, एमडी, और अबाउट मीन है तो उसके टेल में लगा देंगे ऐसा मीन, ठीक है ना, इक्वल टू समेशन मॉडुलस फॉर्मूला सीधा का सीधा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ओके ठीक है, तो ये कितना आया 24, और एन की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन से, आठ है तो आठ ही रहेंगे, चेंज थोड़ा ना हो जाएंगे, ठीक है। सो 8 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स, आंसर इज 3, चेक करो, चेक कर लिया, आंसर इज 3, ठीक है। अब सेकंड में तो बस डेटा चेंज करते हैं, फटाफट निकाल। ठीक है, सेकंड में तो अपन डेटा चेंज करके फटाफट कर सकते हैं ना, रफली प्रेजेंटेशन यही रहेगा सारा, है ना। आ जाओ सेकंड, देखो कितनी जल्दी करेंगे। अच्छा नंबर लेकिन बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं जोड़ेंगे। आ जाओ देखो कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है कि इन सब का मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए, और फिर उसके डेविएशन का भी मीन चाहिए, राइट। तो देखो आ जाओ यहाँ फोकस करो, 8 एंड 0 8, 8 एंड 8 16, एंड 2 18, 18 एंड 5 23, 23 एंड 3 26, 26 एंड 6 32, 32 एंड 4 36 एंड 4 40, सो 0, 40 का 0, रिमाइंडर बचा 4, 4 एंड 3 7, 7 7 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 4 18 एंड 4 22, 22 एंड 4 इज 26, 26 एंड 5 31, यस 31 एंड 6 37 एंड 4 41, 41 एंड 5 46, 46 एंड 4 50, एग्जैक्ट 50। तो ऐसे ऐड करने में क्या होता है कि दिमाग पे जोर तो लगता है ना, जब नसें भी फटती हैं, लेकिन दिस इज वेरी मच वेरी वेरी मच एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे जोड़ना नहीं आएगा तो नेक्स्ट बड़ी दिक्कत आएगी, जोड़ बाकी तो हमारे टिप्स में होना चाहिए ना, क्योंकि मैथ्स वैसे ही इतनी भयानक हो चुकी है, उसका जोड़ बाकी भी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर सोचो फिर कितनी देर में हमसे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। वैसे भी कैलकुलेशन देखो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, एज ए मैथ स्टूडेंट हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। 500 डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो मीन तो आ चुका है भैया 50, ये क्या आया है, दिस इज मीन, दिस इज मीन, ठीक है ना। वो प्रेजेंटेशन अपन वैसे कर देंगे, है ना, वो आप प्रेजेंटेशन पार्ट जैसे इसका होमवर्क मार्क कर लो, अभी अपन शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अब क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं एक एक से, है ना। तो देखो निकाल रहा हूँ मैं, एक एक से निकाल रहा हूँ सीधे सीधे, आ जाओ इधर ही निकाल रहा हूँ, और उसका मॉडुलस भी कर रहा हूँ लगे आप। तो 38 और 50 का डिफरेंस कितना है, 12 का, माइनस हो प्लस हो 12 का 12 ही रहेगा, मॉडुलस निकाल रहा हूँ सीधे ही, ठीक है ना। मतलब आपको डिफरेंस देखना है कितनी दूरी है इसकी, उससे 70 और 50 में 20 की दूरी है, 48 और 50 में 2 की दूरी है, ठीक है। देन आ जाओ 40 एंड 50 में 10 की दूरी, ठीक है। आगे बोलो 42 एंड 50 में 6 की, तो 8 की दूरी है ना। 55 एंड 50 में 5 की दूरी, ठीक है। 63 एंड 50, मीन इतना अच्छा है कि फटाफट फटाफट डिफरेंस हो रहा है, 50 रुपये हटा दो बस, 63 में से 50 गए 13 रुपये बचे, खुले रुपए। 46 में से क्या डिफरेंस आएगा, 4 रुपये का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। 54 एंड 50 में अगेन 4 का डिफरेंस आएगा, एंड 44 एंड 50 में अगेन 6 का डिफरेंस आएगा। तो ये आ गया आपका मीन, मतलब ये इस कॉलम को मैं क्या कह सकता हूँ, ये कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार का भी मॉडुलस भी साथ के साथ लगे याद कर दिया है मैंने, कर दिया है। अब क्या करना है, जोड़ना होता है, जोड़े तो 2 बार तो जोड़ना पड़ेगा, देखो मीन डिविजन अबाउट मीन कुछ कर नहीं सकते, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 और 4 24, 28, 28 और 6 28 और 6 34, बचे 3, 3 और 1 4 और 2 6, 6 के बाद 7 8, बस दैट्स इट, 84, ठीक है। चलो सो मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी, मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो 84 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन क्या हो जाएगा मेरा, 10 नहीं था, 10 ही रहेगा, 8.4 इस आंसर, चेक करो सही है। तो
तो पहला पड़ाव क्लियर कर लिया अपन ने, एक्सरसाइज का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना सीख लिया है। ठीक है, एक चीज नोटिस करी, कुछ चीज नोटिस कर, मतलब वो बुक का या नहीं का, हम भी हमारे हिसाब से एनालाइज कर देखो, क्वेश्चन डेप्थ के अंदर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं ना। देखो एक चीज आपने नोटिस करी, मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कभी भी निकालेंगे, कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, क्योंकि हमने मॉडुलस ले लिया है ना, जीरो आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, जीरो भी कब आएगा, सारे ऑब्जर्वेशन जीरो है ना, सारे ऑब्जर्वेशन जीरो तभी आएगा, नहीं तो फिर जीरो आने के चांसेस नहीं, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कंपेरिजन अभी मैं करवाते हुए चलता हूँ, वैसे तो अगले एक्सरसाइज है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बस सब कुछ सेम करना है, सब कुछ सेम करना है, बस यहाँ पे जहाँ पे बार लगाया है वहाँ पे स्क्वायर लगाना है, और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है ना, मतलब वो नेगेटिविटी हटाने के लिए या तो मॉडुलस लगाते हैं वहां पे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से भी नेगेटिविटी हट जाएगी, कर दूं डिलीट। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में मीडियन से निकलवाएगा, एक में मीन से निकलवाया तो एक में मीडियन से, तो पहले क्वेश्चन में अपन ने पहले मीन निकाल लिया, अभी दूसरे क्वेश्चन में अपन पहले मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन करें तो वो का वही गिवन ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, बताओ हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशन आर, बताओ बोलो, बोलते जाओ रीड आउट करके। थर्टीन, ओके, हाँ, 16, 1/4, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17, That's it. अब मुझे बताओ क्या इन ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो आप मीडियन निकालना, मीडियन में क्या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑब्जर्वेशन शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशन से पार नहीं पड़ेगी, हेयर द गिवन ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर, समझे ना, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर। ये एक काम हमारे लिए एक्स्ट्रा है मीडियन के क्वेश्चन में। ठीक है, मीन के क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना होता है ओनली, बाकी यहां पड़ जाता है असेंडिंग ऑर्डर आर। ओके ठीक है, तो मैं इसी के नीचे इसको अरेंज कर देता हूँ, फिर ऊपर वाले चाहे से हटा दूंगा ना, पहले इसको देख देख के हम अरेंज कर देते हैं, फिर चाहे से ऊपर वाले हटा देंगे। तो बताओ सबसे छोटा क्या दिख रहा है इसमें आपको, सिंगल डिजिट तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सबसे छोटा 10 ही होगा, सिंगल डिजिट तो है नहीं, टू डिजिट नंबर से सारे, 10 के बाद 11 है। अच्छा कितनी बार है तो उतनी बार लिखना पड़ेगा ना, जैसे 11 दो बार है तो दो बार लिखना पड़ेगा ना, तो 10 11 अगेन 11, देन 11 के बाद 12 भी दिख गया मुझे, एक बार ही तो है ना, एक बार ही है, देन उसके बाद 13 एक बार ही नहीं दो बार है स्टार्टिंग में और इधर, तो 13 13 टू टाइम्स, देन 14 इज वन टाइम, देन आगे 15 है क्या, नहीं है, 16 है, कितनी बारी, एक ही बारी दो बारी है, 16 16 देन 17 हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम टू टाइम है, ओके 17 17 और लास्ट में 18 वन टाइम। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे, तो टू मेक श्योर कि वेदर वी हैव नॉट मिस्ड आउट एनी ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, फाइन, तो मैं अब हटा देता हूँ ऊपर वाला है ना, ये लो, हमको एग्जाम में डायरेक्ट ये इतना लिखना स्टार्ट करना है ना भाई, देखते ही हम क्या कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज उसको कर देंगे। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन अरेंज भी हो गए, बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द टेक्निक, जब रो डेटा गिवन हो, बड़ा सारा फॉर्मूला तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता है, लेकिन रो डेटा में क्या टेक्निक होती है, क्या निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन ना, मीन निकालने की टेक्निक, मीन तो निकाल ही नहीं रहे ना, इस बार अपन क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं ना, उस मीडियन के डेविएशन का फिर मीन निकालेंगे, मतलब सेकंड टाइम तो मीन निकलेगा फिक्स है, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन में फर्स्ट टाइम भी मीन, सेकंड टाइम भी मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में पहले मीडियन और बाद में उनके डेविएशंस का मीन, ठीक है ना, वो बात की बात है, पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकाल, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब, सो रिविजन नहीं करके आए 5-7 दिन मजे मारे, एग्जाम कब छुट्टी हुई, 24 से मजे मार रहे हो, तो फिर ये वाला नहीं पढ़ा, एक या दो ही तो इंट्रोडक्शन थी, उसको रिवाइज करके आते हैं, मीडियन मीन्स द मिड वैल्यू,
मीडियन मींस द मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू पे पहुंचने के लिए चेक करना होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं और किस नेचर के हैं, ऑड है कि इवन है। तो सबसे पहले अपन एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। सो एन इज कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 13 अभी किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है, 12 ही है, काउंट कर लो आप भी, 12 ही है, विच इज इवन, विच इज इवन। तो इवन के केस में अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाना है अपने को, ठीक है। सो मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय, मीडियन का नोटेशन होता है कैपिटल एम, और फॉर्मूला याद है इवन के केस में, याद है एम, एक मिनट देखो इतना पता हो ना मीडियन होता क्या है, फॉर्मूला वॉर्मूला तो बहुत छोटी, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब बीचों बीच पहुंचना है, अब बीचों बीच पहुंचना है तो फॉर्मूला खुद भी बना देता है हमारा माइंड, अगर हमको ये पता हो कि मीडियन होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स इतना इजी चैप्टर है कि स्टैटिस्टिक्स में आप जो चीज निकाल रहे हो उसका मतलब पता होना चाहिए, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अच्छा मीडियन के डेविएशन का मीन, तो मीडियन निकालना, अब मीडियन भी पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है, फिर डेविएशन मतलब उसकी दूरी, और फिर उस दूरियों का भी मीन, तो पता होना चाहिए, बस हम कल कर क्या रहे हैं। सो मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो इवन है तो इवन के केस में क्या फॉर्मूला लगता है बताओ, एन बाय टूअथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फिर एक और ज्यादा, क्योंकि इवन के केस में दो मिलेंगे बीच में, एक नहीं मिलेगा ना, ऑड के केस में एक ही मिलता था, उससे एक एक्स्ट्रा ना, एक ज्यादा मतलब, तो एन बाय टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन या टर्म कुछ भी लिख लो, है ना, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ना। टर्म अपन एक्चुअली एपीजीपी में लिखते थे, है ना, यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन लिखते थे, एन बाय टू यानी एन कितना है 12, तो 12/2 कितना होता है 6, तो ये 6th ऑब्जर्वेशन हो गया, प्लस 6 में एक और जोड़ दिया तो 7th ऑब्जर्वेशन हो गया, होल डिवाइडेड बाय टू हो गया, फाइन। अच्छा जी 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 13, और 7th जस्ट उसके अगला वाला होगा, 1 2 3 4 5 6, ये था 6th वाला ऑब्जर्वेशन, चेक करो, है ना, एंड देन ये वाला हो जाएगा मेरा अगला वाला 14th। सो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा बताओ, इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है, 13 और 14 के बीच में क्या होगा, 13.5, 13.5, ठीक है ना। मीडियन में मिड वैल्यू पे पहुंचते हैं बेटा, एक एक हटा दिया करो, देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये गया ये गया ये गया ये गया, अगर बीच में एक बचता है तो वही मीडियन है, और इनके बीच में दो बचते हैं तो इनके भी बीच में झूसना है, 13 14 के भाई थोड़ा थोड़ा साइड और बीच माना मुझे, है ना, तो 13 14 के साइड बीचों बीच कैसे जाओगे, 13.5, ये मीडियन निकालने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सो 13.5, 13.5 समझ गए ना, ऐसे ऐसे हटाते जाया करो, टू हट टू हट टू हट टू हट, बिल्कुल बीच में एडजस्ट होना है उसको, बीचों बीच पहुंचना है, ठीक है 13.5 का। अब आगे का काम सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, और मॉडुलस भी फिर उसी का ही होगा, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे मॉडुलस भी एम आ गया, चलो ऑब्जर्वेशंस बता दो। अच्छा ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, जो मतलब दो दो बार लिखे ना हमने ऑब्जर्वेशंस, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद का ऑब्जर्वेशन है वो बताने हैं आपको, बता दो फटाफट से बोलो, 10 11 अगेन 11 12 13, देन 13 अगेन 14, 16, 16, 17, एक बार और 16 है ना, देन 17, तो ये थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी नीचे स्पेस मुझे, 16 देन अगेन 16 एंड लास्ट में 17, ठीक है। चलो अब मीडियन से डेविएशन निकालना है ना आपको, पूरा हटा देता हूँ, एक एक हटाता जाऊं क्या करूं, एक मिनट रुको,
अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर दोबारा में जब अपन मीन निकाल रहे हैं तो अपन दोबारा में मीन निकालते टाइम वो अज्यूम्ड मीन मेथड स्टेप डेविएशन निकाल सकते हैं क्या? देखो, दोबारा में जब आप मीन निकालने की पोजीशन पे पहुंचोगे ना, तब तक वो क्वेश्चन वैसे बहुत आसान, मतलब डेटा इजी हो जाएगा। तो ईजी हो जाएगा तो अपन डायरेक्ट मेथड ही लगाते थे क्लास 10th में, जब डिफिकल्ट डेटा होता था तो चलते थे अज्यूम्ड मीन। तो सेकेंड टाइम जब अपन मीन निकाल रहे हैं ना फाइनली, तो अपन और कोई मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे और कोई इधर उधर का तरीका नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलो बोलते जाओ फटाफट। 10 माइनस क्या है मीडियन? 13.5। अच्छा, इतना भयानक था ना। 10 माइनस, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, 10 माइनस 13.5 इज -3.5। देन 11 माइनस 13.5 इज -2.5। देन अगेन सेम ही आएगा, -2.5। देन 13.5 था, 1.5। देन 0 माइनस का 0.5, देन अगेन माइनस का 0.5। आ जाओ नीचे, 14 माइनस 13.5 इज प्लस का 0.5। देन 16 माइनस 13.5 इज प्लस का 2.5, 2.5, एंड देन 17 माइनस 13.5 इज 3.5। देखो इस बार जीरो नहीं आया कहीं भी, है ना, प्लस माइनस आया। इनका मॉडुलस कर दो जल्दी से, 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, एंड देन 0.5, 2.5, 2.5, आ जाओ नीचे, एंड 3.5। और लगाओ लास्ट लास्ट जो फाइनल जो कॉलम है उसी का टोटल लगाना है और किसी का नहीं लगाना, है ना। टोटल आ जाओ, तो 3.5 रुपए, 2.5 रुपए, ऐसे कैसे जोड़ें? देखो पहले अठन्निया जोड़ लेते हैं, कितनी अठन्नी है, सब में ही अठन्नी है, 0.5 0.5 0.5, एक भी ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं जिसमें अठन्नी है। और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, ये अपन ने गिने थे अभी, 12 थे, तो 12 अठन्निया 6 रुपए, तो ये हो गए। ठीक है ना, 12 अठन्निया यानी 6 रुपए, तो ये हो गए। अब बंदे हुए पैसे कितने हैं? 6 रुपए तो वही हो गए, 6 और 3 9, और 2 11, और 2 13 14। इधर तो है नहीं, 14 के बाद नीचे आओ, 14 के बाद यहाँ आ जाओ, 2 16, और 2 18, 18 और 3 21। आ गया ना, देखो शॉर्ट फॉर्म में समेशन मॉडुलस XI माइनस मीडियन का मॉडुलस 21 आ गया। ठीक है, बस 21 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर है ना हमारा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज गिवन बाय। ठीक है, अबाउट मीडियन इज गिवन बाय फॉर्मूला, इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, नीचे एक्स बार की जगह क्या लगा दूंगा मैं, एम लगा दूंगा, यस। और फॉर्मूले में भी यहाँ पे एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, एम। ठीक है चलो, तो कितने थे, 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 7 से काट दूं, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, और 7/4 हो जाता है 1.30, यानी कि 4 7 जा 21.75, आंसर देखना। ठीक 2.33, क्या गलती कर दी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 12 ही है ना, ये चेक कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या गलती हो गई? मीडियन सही निकाल ही दिया था अपन ने, 13.5 है ना, 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, फिर 0.5, 16 माइनस 13.5 सही निकाला है क्या? 16 माइनस 14, 2.5, 2.5, एंड देन लास्ट में, अच्छा 18 तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें, 18 भी दिखा था मुझे अभी, ये रहा 18, तो 13 है क्या ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से क्वेश्चन नोट डाउन में गलती। टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व, 10 11 11 12, 13 13 12, 13 13, फिर 14, फिर 16 16, 17 17, अभी तो दो ऑब्जर्वेशंस नहीं डाले हैं, तो दो ऑब्जर्वेशंस नहीं बीच में, तो मैं यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो 17 नहीं है दोबारा में, और फिर 18 नहीं है, तो 17 माइनस 3, अगेन 3.5, और इसमें एक बढ़ जाएगा 4.5, और इनका मॉडुलस भी वही होगा 3.5, 4.5, तो ये 3.5 और 4.5, 8 रुपये और जोड़ दो, 21 और 8 29 रुपये हो गए। ठीक है, 29 रुपये हो गए। ठीक है, सो अगेन मिस्टेक ऑफ क्वेश्चन नोटिंग, 29 डिवाइडेड बाय 12,
12 करना है, तो अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा 100%, 29 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 12, 12 क्या आ रहा था आंसर, 12 टू पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, 12 टू या 24, बचा 5, 50, 50 का मतलब हो गया 12 फोर जा 48, फिर बचा 20, सो 12 बन जा 12, 2.41 अराउंड आ रहा है कि अभी भी मिस्टेक है। गुड मॉर्निंग। तो एक बार अच्छा, अब देखो 12 अठन्नियों के 6 रुपए, तो यही हो गया ना, गलत जोड़ा है अपन, है ना। देखो दो ऑब्जर्व, देखो गलती देखो हमारी, ये दो ऑब्जर्वेशन तो हमने जोड़े नहीं, और अठन्निया इसकी पहले जोड़ के बैठे हैं, 12 अठन्निया पहले जोड़ ली थी ना मैंने, तो ये 2 अठन्निया कम करो 28 है वो, ठीक है। तो देखो इतनी सारी मिस्टेक हो जाती है ना, ऑब्जर्वेशन तो पूरे लिखे नहीं लेकिन अठन्निया जरूर जोड़ के बैठे हम उसकी, है ना। सो 28/12 कर दो, अब आपका आंसर मैच हो ही जाएगा, है ना। 12 2 जा 24, बचा 40, 40 मतलब 12 3 जा 36, अगेन 40, और अभी तो देखो इसको इससे काट भी सकते थे, खैर 7/4 7 जा 28, 4 3 जा 12, अब काट दो, है ना, 2.33 समझ आया, ठीक है। अब स्कूल जाना है क्या, तो फिर इसको अपने आप करोगे होमवर्क, चलो मैं 5 मिनट में इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप होमवर्क करके घर जाके चेक कर ले। अभी स्कूल जाना छोड़ा नहीं क्या, नहीं अभी फाइनल एग्जाम से पहले छुट्टियां वुट्टियां नहीं मिलती क्या, कब है फाइनल एग्जाम। ओके चलो, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, एंड यू गो डू योर सेल्फ एंड देन चेक वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, है ना। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले इसको असेंडिंग एंड तनिष विल हेल्प मी आउट इन सॉल्विंग दिस, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आता है आपको, उसमें मीन डेविएशन पढ़ा रहे हैं, मीन डेविएशन थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं बेटा। हाँ बताओ, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन निकालना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है इसमें, 36, ये पहला ही, देन 42, देन दो बार है नहीं, 45 भी तो है, 45, हाँ, ठीक है, 45 के बाद दो बार 46, देन 51, देन पहले 49 है ना, देन 51 एंड देन 53, हो गए। नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, 53 के बाद 72, 60 और फिर 70। ओके बताओ इसके बाद क्या करेंगे, हो गए ये अरेंज, अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताया खुशी, ये भूल गए, मीडियन कैसे निकालते थे, हाउ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन एम ये निकालना है ना, तो उसके लिए पहले अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखते थे, है ना, और फिर वो इवन है कि ऑड है वो देखते थे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो एन इज 10 विच इज इवन, विच इज इवन, तो इवन में जाने के लिए बीचों बीच जाने के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगा, है ना, तो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, सो मीडियन विल बी लाइक मीडियन इक्वल टू फिफ्थ और सिक्स्थ, वैसे तो फॉर्मूला होता था n/2th प्लस n/2+1th, ठीक है, तो 10/2th यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 46 प्लस 49, 46 और 49 के बीचों बीच आता है 48.5, राइट, 48.5, देखो कुछ भी नहीं है मीडियन में, सबसे आसान तरीका आपको भी करना है अभी आगे, मीडियन में कुछ भी नहीं है, बीचों बीच घुसना है, तू गया बिल्कुल कहते हैं ना, तू उधर से बिल्कुल बीचों बीच सेट होना है उसको, कहीं तू गया तू गया तू भी गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, लेकिन ऐसे नहीं है ना, गया अब बीचों बीच दो मिले तो मेरे को उसके भी बीच में जाना है, उसको भी कह रहा हूँ भैया साइड हट, तू भी हट थोड़ा सा, मेरे को बिल्कुल बीचों बीच जाना है, तो 46 एंड 49 के बीचों बीच कौन होगा, 47 इधर से आया, 48 इधर से आया, 47 और 48 के बीच में 48.5, ठीक है। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए इनका से डिफरेंस देखना है, तो 48.5 और 36 कितना गैप है, कितना डिफरेंस है,
12.5, और फिर उसका मॉडुलस भी करना है, तो दो स्टेप में होता है, लेकिन मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, मॉडुलस करके फिर कर रहा हूँ, है ना। तो नेगेटिव आएगा वैसे तो 36 माइनस 48.5 माइनस 12.5, लेकिन मैं मॉडुलस वाला स्टेप भी स्किप करके सीधे ही लिख रहा हूँ, है ना। तो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 12.5। अगला बताओ, 42 में से 48.5 कितने का डिफरेंस, आप तो गैप देखो, गैप कितने का है, 6.5, 47, 48, यस 47.5 आएगा, गलत किया हमने, 48.5 नहीं आएगा, 47.5 आएगा, तो फिर उस हिसाब से उधर भी गलत किया है, 47.5, ठीक है ना। नाउ 36 एंड इसका गैप देखो, 36 एंड 47.5, तो 36 एंड 47 में 11, 11.5, ठीक है। आगे बताओ, 42, 5.5, अभी मैं मॉडुलस हटा के कर रहा हूँ, 45, 2.5, देन 1.5, अगेन सेम है तो 1.5, 49 का अब प्लस आएगा, एक्चुअली माइनस तो अभी आ रहा था, लेकिन मॉडुलस करके ही कर रहे हैं ना अपन, तो आप तो गैप देखो बस, 49 एंड 47.5 का 48, हाँ 1.5, ठीक है। देन 51 एंड 47.5 का 48, 3.5। नेक्स्ट 53 एंड 47.5, दो बढ़ गए 5.5, फिर 7 बढ़ गए, 7 और 5 12.5, और 72 12 और बढ़ गए, तो 12 12 24.5, 24.5, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। इन सबको सम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 58 गिन लो पिछले क्वेश्चन की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 58 यानी 5 रुपये, तो ये हो गए, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 24 25, 26, 26 और 3 29, 29 एंड 5 इज 34, 34 एंड 12 46, 46 एंड 24 46, 66, 66, 46 एंड 24, 46 एंड 24 इज 0, 70, 70, यस। सो एग्जैक्ट 70 हो गया था ना, सम एग्जैक्टली 70 है, सो फाइनल फॉर्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, निकालने का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाय एन, तो ये तो आ गया सीधा सीधा 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थे ही सही, सो आंसर इज 7। सो प्लीज अनुष्का एंड ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, वी डू नॉट हैव द आंसर की, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की, इफ देयर इज एनी मिसमैच सो यू कैन कमेंट और यू कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, तो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं इन क्लास 11, रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फॉलोड इन द टुमोरोज वीडियो। तो आज अपन ने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों क्वेश्चंस कर लिए, बट रो डेटा के लिए, आज के सारे क्वेश्चंस रो डेटा में है, मतलब अनग्रुप्ड डेटा जिसको अपन कहते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, और कल अपन ग्रुप्ड डेटा करेंगे, और कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अपन कल स्टार्ट करेंगे बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।